हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कुछ पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कुछ कॉमन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर भी आप फॉर्म को फिलअप करके आप जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में एडमिशन पा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जिन्होंने इंटर क्वालिफाई किया है या जिन्होंने इंटर का एग्ज़ाम दिया है, वो कैसे, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें वो बीएससी में एडमिशन या ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो इससे मैं आपको एक कॉमन यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा जिसे हम लोग सूसेट बोलते हैं। उसके थ्रू बहुत सी जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी अटैच होती हैं, ठीक है। तो आप उस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो बैचलर लेवल के हों, चाहे वो मास्टर लेवल के हों, चाहे वो पीएचडी लेवल के हों, ठीक है। तो हाल ही में जो सूसेट है, सूसेट ने क्या किया है, ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसके लिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन मांगा है। तो चलिए अब हम वो देख लेते हैं। तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे आप जैसे ही सर्च करेंगे सूसेट CUCET, ओके, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो सबसे जो पहला जो विंडो होगा उस पर देखेंगे आप कि लिखा है सूसेट, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020, ओके। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नया ग्राउंड विंडो ओपन होगा। तो आप इस विंडो में देख सकते हैं कि इसमें बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो अटैच हैं, यानी कि ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। अब इसमें बहुत सी सेपरेट सेपरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी अटैच है, ठीक है। तो जैसे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो हैं वो इससे अटैच हैं। तो सबसे पहले आप जैसे यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको ओपन होगा असम यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम साहब आसा यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, देन कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, कालीकोट यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, जोधपुर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो 18 यूनिवर्सिटी हैं, 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, वो यूनिवर्सिटी जो हैं इससे अटैच है। मतलब आपको एक कॉमन एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपको पीएचडी अवेलेबल है या जहाँ पे आपको मास्टर्स करना है, जहाँ पे आपको बैचलर करना है, तो आप इस कॉमन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को फिलअप करके आप जो हैं एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको एलिजिबिलिटी देखनी है तो जैसे हम असम यूनिवर्सिटी पे देख लेते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको देखिए दे रखा है कि प्रोग्राम कौन सा है, कितने इंटेक है यानी कि उसकी वैकेंसी कितने कितने बच्चों को ले सकते हैं, और साथ ही एलिजिबिलिटी दे रखी है, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है वो दे रखा है, जैसे कि एम टेक इन एक्वाकल्चरल इंजीनियरिंग, एम टेक इन वाटर सोर्स रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, एम टेक इन फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग। तो ऐसे करके इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम दे रखे हैं और साथ ही इंटेक दे रखा है, यानी कितनी बच्चों को ये ले सकते हैं, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। तो आप ये यहाँ पे सेपरेट सेपरेट आप क्लिक कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सपोज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पर अगर क्लिक करेंगे तो ऐसे एक नया विंडो ओपन होगा, इसमें भी देखिए, इसमें जो इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम्स भी आप यहाँ कर सकते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी 10+2 इन साइंस स्ट्रीम और इक्विवेलेंट है। बायोटेक्नोलॉजी से भी आप इंटीग्रेटेड एमएससी कर सकते हैं, साथ ही इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड प्रोग्राम भी है जो कि आई थिंक नया स्टार्ट हुआ है, जो 3 ईयर्स का यानी कि 2 ईयर का एमएससी और 1 ईयर का बीएड प्रोग्राम। अगर आप सेपरेट बीएड करेंगे तो आपको 2 साल लगेगा, लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी और बीएड दोनों करेंगे तो आपको जो है एमएससी का 2 ईयर और बीएड का सिर्फ 1 ही साल लगेगा। तो इसमें केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो इससे आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके देखिए बहुत से प्रोग्राम दे रखे हैं, साथ ही इंटेक दे रखा है, और साथ ही साथ इसमें जो है एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब वहीं अगर बात करें हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट डेट, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट हुआ था 16 मार्च 2020 से, ठीक है, 16 मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था। उसका जो क्लोजिंग डेट है वो कितना है, अप्रैल 11, 2020, ओके। लेकिन ड्यू टू COVID-19 जो इसका क्लोजिंग डेट है उसका डेट को बढ़ा दिया गया है। अब इसका जो लास्ट डेट है ये 6 जून 2020 है, ठीक है। यानी कि अब वो बच्चे जिन्होंने अभी तक इसका फॉर्म नहीं फिलअप किया है या मे बी उन्हें लग रहा हो कि ऑलरेडी जो डेट जो है वो निकल गई, तो वे इस फॉर्म को अभी भी फिलअप कर सकते हैं 6 जून तक। वहीं अगर बात करें इशू ऑफ एडमिट कार्ड की, तो इसका कोई भी डेट फिक्स नहीं है, तो इसका
COVID-19 की जो सिचुएशन होगी इंडिया में, उसकी बेस पे ये जो एडमिट कार्ड है और जो एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस की जाएगी। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट टू बी नोटिफाइड लेटर, आंसर की टू बी नोटिफाइड लेटर, मीन्स सब कुछ बाद में पता चलेगा जब इंडिया में COVID-19 की सिचुएशन के ऊपर ये सब डिपेंड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम जो है इसका मे बी जुलाई टू अगस्त के बीच हो जाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम बट डिले होता जाएगा, तो ऐसे सेशन में भी थोड़ा देरी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम वहीं बात करें प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्राम देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं और रिसर्च प्रोग्राम्स भी हैं। मतलब जिन्होंने अगर 12th कंप्लीट किया है तो वे ग्रेजुएशन के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वहीं जिन्होंने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और वहीं जिन्होंने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वे PhD के लिए भी फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत से डिफरेंट डिफरेंट जो डिग्री हैं वो दिखेंगी, साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट भी दिखेगा, फिर सब्जेक्ट कोड, और साथ ही साथ जो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ये कोर्स कराती है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब चेक कर लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर सपोज बीटेक करना है तो बीटेक करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो हरियाणा है वो कराती है कंडक्ट, ठीक है, यानी कि वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, जैसे कि BSc है फिजिक केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, तो CUK NK कराती है। तो ऐसे करके आप अगर इंटीग्रेटेड MSc करना चाहते हैं माइक्रोबायोलॉजी या फिजिक्स से, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है वो भी कंडक्ट कराती है। तो ऐसे करके आप अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या PhD करना है तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। वहीं अगर PG की बात करें तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना है तो उसके लिए भी देखिए MA MEd, यानी कि आर्ट साइड के सब्जेक्ट भी हैं और साइंस साइड के सब्जेक्ट भी हैं, आप किसी सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रिसर्च प्रोग्राम्स की, तो अगर आपको PhD करनी है तो PhD इन आर्किटेक्चर या हॉर्टिकल्चर, यानी कि बहुत से सब्जेक्ट्स में, अगर PhD बायोकेमिस्ट्री में भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, ओके, ऐसे ही देखिए बहुत से हैं। PhD और बॉटनी से आपको करनी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से भी कर सकते हैं, या माइक्रोबायोलॉजी से आपको PhD करनी है, बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपको PhD किस सब्जेक्ट में करनी है, साथ ही साथ आप जो है MPhil भी कर सकते हैं, ठीक है, MPhil भी कर सकते हैं, ठीक है। तो MPhil और PhD दोनों आप कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ये फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, ताकि आप एटलीस्ट आपका साल वेस्ट ना हो, और आपके चाहे BSc या MSc या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या आप जो रिसर्च में एडमिशन ले पाए। वहीं अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर की, अब फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो जनरल या OBC या AEWS एप्लीकेंट की जो फ़ी है वो 800 रुपीज़ है। वहीं अगर हम बात करें SC ST की तो उसकी जो एप्लीकेंट फ़ीस है वो 350 है। वहीं अगर बात करें PWD एप्लीकेंट की तो उनकी जो फ़ीस है वो नील है। वहीं अगर हम बात करें RP की, तो उसमें जो है अगर आप मान लीजिए कि आपने जो है डेट ओवर हो गया तब आप अगर फ़ी पेमेंट कर रहे हैं तो आपका जो फ़ी है वो 1000 रुपीज़ होगा इन केस ऑफ जनरल OBC और AEWS एप्लीकेंट। वहीं SC ST के लिए 450 होगा और PWD के लिए नील होगा, ठीक है। तो ये RP का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने बोला कि RP कुछ स्पेशल प्रोग्राम, जैसे कि इसमें मेंशन कर रखा है इन्होंने ऑलरेडी एडिशनल फी ऑफ इतना, देन SC फॉर RP प्रोग्राम्स वी आर डूइंग सो यूनिवर्सिटी कैन बी रिपीटेड इट ऑन, ओके। तो RP कुछ प्रोग्राम है, यानी कि कुछ स्पेशल प्रोग्राम है, ठीक है। तो उनकी जो फीस है थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये हो गया फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप बात करें टेस्ट सेंटर्स की, तो बहुत से टेस्ट सेंटर दे रखे हैं, जैसे कि देख लीजिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में टेस्ट सेंटर हैं। तो ऑलमोस्ट जो हैं अप्रॉक्स 141 टेस्ट सेंटर हैं इस सुसेट एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी एग्ज़ाम, जो भी सेंटर आपका घर के पास हो, आप वो जो सेंटर है वो चूज़ कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑलमोस्ट 141 एग्ज़ाम सेंटर हैं। वहीं अगर हम बात करें फॉर रिसर्च प्रोग्राम के लिए, तो रिसर्च प्रोग्राम के लिए ऑलमोस्ट 47 टेस्ट सेंटर हैं। तो आप जो भी आपका टेस्ट सेंटर आपके घर के पास हो तो आप वो फिलअप कर सकते हैं फॉर्म भरने के
टाइम पे। बाकी सुसेट का जो एग्ज़ाम टाइम टेबल भी ऑलरेडी दे दिया था इन्होंने, लेकिन अब जो एग्ज़ाम डेट तो ऑलरेडी चेंज हो गई है क्योंकि COVID-19 की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, तो ये जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल वो आपको दोबारा दिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था जिसके थ्रू आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD में या में एडमिशन ले सकते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो आपको बस एक सिंपल सा फॉर्म फिलअप करना है सुसेट का, उसके थ्रू जितनी भी सेपरेट सेपरेट बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अटैच है, ऑलमोस्ट 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अटैच है, 16 to 18, तो आप उसमें से अपने कोर्स के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो यहीं पे जो मेरा वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।